नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हूं। यह वीडियो कौन सा है, इस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं कि यदि आपको कोई एक नया प्लांट, नया एनिमल या कोई अन्य जीव आपको मिलता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमनक्लेचर करने के लिए विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करेंगे? जीव विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करेंगे आप? तो भाई, इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि यदि हमको किसी ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना है, किसी एक नए ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको जानना है, तो उसके लिए हमको किसका अध्ययन करना पड़ेगा? टैक्सोनॉमी का अध्ययन करना पड़ेगा। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का अध्ययन में मुख्य रूप से तीन बातों का अध्ययन किया जाता है। जीव की पहचान की जाती है, उसका नामकरण किया जाता है और उसका वर्गीकरण किया जाता है। भाई, कोई अननोन स्पीसीज है, एक नई स्पीसीज है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ ऐसे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि उस स्पीसीज की, उस पौधे की, उस जंतु की पहचान की जा सके। ये सभी साधन जो किसी अननोन स्पीसीज की पहचान करने में सहायता करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, टैक्सोनॉमिक टूल्स कहलाते हैं, या जिनको हम जनरली टूल्स कह देते हैं, वर्गीकरण साधन कहलाते हैं। अब ये वर्गीकरण साधन के रूप में क्या हो सकते हैं? या तो हो सकता है बॉटनिकल गार्डन हो सकते हैं, म्यूजियम हो सकता है, जूलॉजिकल गार्डन हो सकते हैं, या टैक्सोनॉमिक की। ठीक है, अगर हम बात करें कि कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड प्लांट हमको मिलता है जिसकी हमको पहचान करना है, नामकरण करना है, वर्गीकरण करना है, अगर वो पादप है तो हम जाएंगे कहां, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे? हम यूज करेंगे बॉटनिकल गार्डन का या म्यूजियम का, बॉटनिकल म्यूजियम का यूज करेंगे, या फिर हो सकता है टैक्सोनॉमिक की का यूज कर लें हम। लेकिन अगर ये नहीं है तब ऐसी अवस्था में हम यूज करते हैं हर्बेरियम का। हम किसका यूज करते हैं? हर्बेरियम का यूज करते हैं, जिसको हिंदी में पादपालय कहा जाता है। क्या है भाई ये हर्बेरियम या पादपालय है क्या? दोस्तों, अगर मान के चलिए आपने कोई प्लांट आपको मिल जाता है और उसको आपको लंबे समय तक परिरक्षित करना है, तो आप क्या काम करेंगे? उस प्लांट को सुखा लेंगे, दबाकर अच्छी तरह से सुखा लेंगे, और किसी कागज की सीट पर आप क्या करेंगे, उसको चस्पा कर देंगे, चिपका देंगे। जब बहुत सारे प्लांट को इस प्रकार से कागज की सीटों पर आप अरेंज कर लेंगे तो क्या होगा, एक फाइल बन जाएगी, और उसी फाइल को क्या कहा जाता है? हर्बेरियम कहा जाता है। भाई, मैंने क्या बताया आपको कि यदि हमको कोई पादप को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तब ऐसी अवस्था में उसको सुखा लिया जाता है, कागज की सीटों पर दबाकर उसको रख दिया जाता है, और जिसकी वजह से जो है एक फाइल का निर्माण होता है, और यही फाइल क्या कहलाती है? हर्बेरियम या पादपालय कहलाती है। और ये हर्बेरियम जहां पर रखा जाता है वह हर्बेरिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि जहां पर ये हर्बेरियम रखा जाता है वो क्या कहलाता है? हर्बेरिया कहलाता है। तो चलिए अब देखिए हर्बेरियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देखिए। ये सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस के द्वारा, ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। हर्बेरियम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कैरोलस लीनियस के द्वारा 1753 में किया। लेकिन इस आर्ट को, इस कला डेवलप करने का कार्य, इसको प्रारंभ करने का कार्य जो है इटली के प्रोफेसर लुक घिनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लुक घिनी के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हर्बेरियम की परिभाषा क्या है। अगर हम परिभाषा की तरफ देखें तो हर्बेरियम पादपों का, पौधों का ऐसा संग्रह होता है जहां पर पादप प्रतिरूपों को सुखाकर, दबाकर कागज की सीटों पर आरोपित कर। ध्यान दीजिएगा कि हर्बेरियम पौधों का ऐसा संग्रह होता है जहां पर पादप प्रतिरूपों को सुखाकर, दबाकर कागज की सीटों पर आरोपित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार,
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार वर्गीकरण तथा क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ एवं अध्ययन हेतु सुरक्षित रखा जाता है। मान्य पद्धति के अनुसार वर्गीकृत तथा क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ एवं अध्ययन हेतु सुरक्षित रखा जाता है। इसको एक बार फिर रिपीट देखें कि हर्बेरियम पौधों का ऐसा संग्रह होता है जहां पर पादप प्रतिरूपों को सुखाकर दबाकर कागज की सीटों पर आरोपित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार वर्गीकृत तथा क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ एवं अध्ययन हेतु सुरक्षित रखा जाता है। भारत में हर्बेरियम में वर्गीकरण पद्धति का इस्तेमाल जो है वो बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति को किया जाता है, अर्थात भारत में बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति को मान्य किया जाता है। देश देख लेते हैं कि हर्बेरियम बनाने के हमारे क्या उद्देश्य होते हैं, उन पर हम बात कर लें तो इसमें पादप प्रतिरूपों को संरक्षित करके रखा जाता है। भाई हर्बेरियम क्यों रखा जाता है कि पादप प्रतिरूपों को संरक्षित करके रखा जा सकता है, ताकि जो छात्र हैं शोध करने वाले हैं या वर्गीकृत हैं वो इसका आसानी के साथ अध्ययन कर सके। तो ये जो हर्बेरियम होता है वो संदर्भ ग्रंथ के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात पहला पॉइंट क्या हो गया, इसमें पादप प्रतिरूपों को संरक्षित करके रखा जाता है जो कि संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इन पादप नमूनों से पौधों की पहचान करना आसान हो जाता है। भाई कोई हमने अननोन प्लांट लेके आया है और उसकी पहचान करना है, तो अगर हमारे पास हर्बेरियम है तो हर्बेरियम में रखे हुए प्लांट स्पेसिमेंस के साथ उसका मैच करके उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तीसरा देखिए, हर्बेरियम द्वारा संबंधित काल के पौधों की जानकारी प्रदान करना। भाई अगर हमने जो हर्बेरियम बनाया अब वो किस समय में बनाया, बरसात में बनाया, सूखे के मौसम में बनाया, तो भाई जिस मौसम में बनाएंगे उस मौसम में कुछ विशेष प्लांट पाए जाते हैं, तो उन पादप की जो जानकारी है वो किसके द्वारा हो जाती है, हर्बेरियम के द्वारा हो जाती है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देखिए कि भविष्य में मोनोग्राफिक एवं भौगोलिक अध्ययन हेतु आधार प्रदान करने का कार्य जो है वह हर्बेरियम करता है। क्या है कि भविष्य में मोनोग्राफिक एवं भौगोलिक अध्ययन हेतु आधार प्रदान करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, हर्बेरियम के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्बेरियम के क्या उद्देश्य होते हैं, इसे जरूर नोट कर लेंगे। अब चलिए अब हम देखते हैं कि हर्बेरियम बनाई कैसे जाती है। देखिए हर्बेरियम बनाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अगर हम डिटेल में समझें तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो मैं संक्षिप्त में इसकी जानकारी देता हूं कि देखिए हर्बेरियम बनाने के लिए हमको निम्न स्टेप का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, पादप स्पेसिमेंस का कलेक्शन, पादप प्रतिरूपों का संग्रहण। भाई सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई जिसका हमें स्पेसिमेंस बनाना है वो पादप को हमको संग्रहित करना पड़ेगा, ठीक है। उस पादप प्रतिरूप को दबाना, जो हमने प्लांट कलेक्ट किया है उसको अब किसी ऐसे स्थान पर दबाकर उसको सुरक्षित रखना, साथ ही पादप प्रतिरूपों को सुखाना, उसी जहां पर हमको जहां पर पादप को दबाया जाता है उसको ऐसे हवादार या खुले स्थान पर रखना जिससे कि वो सूख जाए, ठीक है। उसके बाद इस पादप प्रतिरूप को कागज की सीट पर आरोपण करना, कागज की सीट पर स्पेसिमेंस का आरोपण करना। चौथी चीज, इसके बाद उसका रसायनों के द्वारा उपचार करना, सीट पर लेबल का चस्पाकरण, कि भाई रसायनों द्वारा सीट पर लेबल का चस्पाकरण। चस्पाकरण से तात्पर्य है कि उस पौधे से संबंधित जानकारी, उस काल से संबंधित जानकारी को उस कागज की सीट पर लिखना, ठीक है। इसके बाद स्पेसिमेंस का लेखाकरण और अंत में एक्सेशन रजिस्टर पर हर्बेरियम का अंकन। स्पेसिमेंस बनाना होता है, उस पादप को हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, पादप को कलेक्ट कर लेते हैं। अब कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, हमें फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में जब जाएंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, भाई कागज पेन तो होना ही चाहिए, लेकिन उस पादप को काटने के लिए छोटा चाकू होना चाहिए, ये हो सकता है। इसके अलावा कहना चाहिए खुरपी वगैरह हो सकती है, या अन्य जो दूसरी सामग्री जो पादप को कलेक्ट करने में हमारी मदद करती है वो सारी की सारी सामग्री हमारे पास होना चाहिए। मान के चलिए कि आपने उस पादप को कलेक्ट कर लिया, अब पादप को अगर आपने कलेक्ट कर लिया तो सबसे पहले उसको धुल लिया जाता है, वाश कर लिया जाता है, ताकि उसमें छपी हुई जो मिट्टी वगैरह है वो सारी की सारी निकल जाए। इसके बाद इस जो पादप है
इस पादप को क्या काम किया जाता है, लकड़ी के जो पट्टे होते हैं दो पट्टों के बीच में, उन दो लकड़ी के दोनों पट्टों जो स्क्रू के द्वारा फंसे हुए होते हैं उनके बीच में ब्लॉटिंग पेपर रखकर, ब्लॉटिंग पेपर रखकर उस पादप को क्या काम किया जाता है, दबा दिया जाता है। और लकड़ी के पट्टों पर हमने क्या काम किया, बीचों बीच में ब्लॉटिंग पेपर रखकर इस पादप स्पेसिमेंस को दबा दिया। अब दबाने के बाद इस पादप स्पेसिमेंस को क्या काम कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। ठीक है, दबाया है उसको, अब एक हवादार एवं खुले स्थान पर रख दिया जाता है ताकि वो सूख जाए। हर 4 से 5 दिन बाद ब्लॉटिंग पेपर को हम बदलते रहते हैं। इसके पश्चात ये जो प्लांट स्पीसीज है, सुखा भी लिए हमने, पूरी तरह से सूख गया है, अब क्या काम करते हैं, इस पादप स्पेसिमेंस को कागज की सीट पर, कागज की सीट पर क्या काम किया जाता है, इसका आरोपण किया जाता है। मान के चलिए हमने ये इस तरह से इसका क्या काम किया, आरोपण किए। आरोपण करते समय इस बात का ध्यान में रखा जाता है कि अगर पौधा बड़ा है तो उसको एम आकार में, जे आकार में या अन्य जो सुविधाजनक आकार है उस आकार में उसको व्यवस्थित रखा जाता है। इसके अलावा यहां पर एक चीज और देखे तो इससे संबंधित जो जानकारी है वो जानकारी यहां पर लिखी जाती है। जैसे इसमें बहुत सारी जानकारियां हो सकती है, इस संग्रहण करने का दिनांक, संग्रहण स्थान, संग्रहण कर्ता का नाम और भी बहुत सारी जो जानकारी है जहां पर इस पादप स्पेसिमेंस में जो हमने इसको चस्पा किया है, यहां पर ये सारी की सारी जो जानकारी है इस कागज की सीट पर अंकित कर दी जाती है। अब इतना सारा काम हमारा हो गया है। अब जब बहुत सारे इस तरह से हमारे पास कागज की सीट तैयार हो जाती है तो वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार इनको व्यवस्थित कर लिया जाता है। अब व्यवस्थित कर लिए तो ये पूरी की पूरी क्या बन गई है, एक फाइल बन गई और यही फाइल क्या कहलाती है, हर्बेरियम कहलाती है। अब जब इस तरह की फाइल हमारे पास तैयार हो जाती है तब किसी स्थान पर जनरली क्या होता है, आलमारियों में इन फाइल्स को वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार रख दिया जाता है। जैसा जिस प्रकार से विकास किसी पौधे का हुआ है उस क्रम में वर्गीकरण की मान्य पद्धति के अनुसार इसको रख दिया जाता है। जहां स्थान जहां पर इस हर्बेरियम फाइल को रखा जाता है वह स्थान हर्बेरिया कहलाता है। ठीक है, हर्बेरिया क्या कहला रहा है भाई, वो हर्बेरिया कहला रहा है। अब समय समय भाई अगर इसी प्रकार से उसको खुला रख दिया जाए तो कुछ समय बाद वो नष्ट भी हो सकता है। तब ऐसी अवस्था में समय समय पर जो है रसायनों के द्वारा उस पर छिड़काव करके उस पर दीमक या अन्य जो हानिकारक जीव है जो इस स्पेसिमेंस को नष्ट कर सकते उनको हटा दिया जाता है, उनको साफ किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि हर्बेरियम तैयार की जाती है। अगर हम इसके 5 प्रमुख हर्बेरिया की बात करें तो जिसमें सबसे पहला है रॉयल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम क्यू इंग्लैंड, जहां पर 65 लाख से भी ज्यादा पादप स्पेसिमेंस को, लगभग 65 लाख से भी ज्यादा पादप स्पेसिमेंस को संग्रहित करके रखा गया है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हर्बेरियम पेरिस, जहां पर लगभग 60 लाख पादप स्पेसिमेंस को संग्रहित करके रखा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें कुमारो बॉटनिकल इंस्टीट्यूट का हर्बेरियम लेनिनग्राद रूस, तो यहां पर लगभग 40 से लेकर 43 लाख पादप स्पेसिमेंस को संग्रहित करके रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से कंजर्वेटरी बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम जिनेवा तथा कंबाइंड हर्बेरियम हार्वर्ड विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज, ये ऐसे हर्बेरिया हैं जहां पर लाखों पादप स्पेसिमेंस को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित करके रखा गया है।
वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत के प्रमुख हर्बेरियम में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, जो भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम होने का जिसको गौरव प्राप्त है, जिसमें लगभग 25 लाख से भी ज्यादा पादप स्पेसिमेंस को हर्बेरियम के रूप में संग्रहित करके रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से फारस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हर्बेरियम जो कि देहरादून में उपस्थित है, वहीं पर ब्लेटिनर हर्बेरियम मुंबई, वहीं पर नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ, तथा इसके अलावा बीएसआई के हर्बेरियम, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हर्बेरियम जो अलग अलग स्थानों पर है, जैसे शिलांग में है, पुणे में है, कोयम्बटूर में है, इन स्थानों पर उपस्थित भारत के प्रमुख हर्बेरियम है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि हर्बेरियम क्या है।